हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और मैगी से बनी बहुत ही टेस्टी इजी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें मैगी को पकाना है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ ग्लास पानी। पानी को हम हल्का गर्म होने देंगे। पानी हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैगी का मसाला जो पैकेट के साथ मिलता है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मैगी को क्रश करके। अब मैं इसे 80-90% तक कुक कर लूंगी। मैगी बनके तैयार है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। इसे ठंडा होने के लिए हम एक साइड में रख देंगे। तो अब बाउल में हमें लेना है 2 उबले और ग्रेट किए हुए आलू। अब ऐड करना है मैदा 5 बड़ी चम्मच, सूखी कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, हरा धनिया, थोड़ा सा ओरिगेनो, अगर आपके पास है तो ऐड करें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच तेल डाल के मैं इसे चिकना कर लूंगी। तो डो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करें। किचन फ्लोर पे मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी और इस डो के हम 4 पार्ट करेंगे। इसे बेल लेंगे। इसे मैं स्क्वायर शेप में कट कर लूंगी। अब इसमें हम पके हुए मैगी को इसमें रख देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज। आपके पास जो भी चीज हो या प्रोसेस चीज हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब कॉर्नर्स में मैं पानी लगा के इसे अच्छे से पैक कर लूंगी। इसे हल्के से प्रेस कर देंगे और साइड का मैं कट कर दूंगी। इसी तरह से सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। तो तैयार किए हुए स्नैक को अब हम इसमें डालेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। स्नैक बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लूंगी और इसी तरह से और स्नैक को हम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इस तरह से पका लेंगे। तो स्नैक बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आप देख रहे हैं गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है मैगी के साथ और चीज़ के साथ। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।